तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर स्लाइडर के बारे में। तो वो स्लाइडर किस किस्म का होता है, उसको हम कैसे अपनी मर्जी से एडजस्ट करेंगे। तो जिस तरह आपने देखा होगा कि बहुत फेमस जो वेबसाइट होती हैं उनकी हेडर के नीचे, मेन्यूज के नीचे VIP स्लाइडर चल रहे होते हैं, तो आज हम इस इंपॉर्टेंट स्लाइडर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आने के बाद आपने दोनों लैंग्वेजेस को स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के बाद आप यहाँ पर चले जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपने अपने स्लाइडर को कैसे एडजस्ट करना है, यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आपने प्लगइन्स के ऊपर चले जाना है। जब आप अपने प्लगइन्स के ऊपर चले जाएंगे तो आपने करना है, ठीक है, यहाँ पर आपने कौन सा वाला प्लगइन इंस्टॉल करना है, यहाँ पर आपने स्मार्ट स्लाइडर को सर्च करना है। जब आपके सामने स्मार्ट स्लाइडर का प्लगइन आ जाएगा तो ये पहला जो आपके पास स्मार्ट स्लाइडर 3 है, इसको आपने कर देना है इंस्टॉल, ठीक है। ये आपके सामने इंस्टॉल हो चुका है, आपने इसको कर देना है एक्टिवेट। जब आप इसको एक्टिवेट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके सामने स्लाइडर एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्मार्ट स्लाइडर आपके सामने आ गया है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके डैशबोर्ड के ऊपर चले जाना है। तो इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा, आपने गो टू डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है। तो आपने यहाँ से अपना कोई न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरह आपने स्टेप को फॉलो करना है। प्रोजेक्ट के ऊपर आपने क्लिक किया, यहाँ पर क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करना है। यहाँ पर आने के बाद आपने इसके ऊपर कुछ भी नहीं करना, जस्ट यहाँ पर से क्रिएट कर देना है। जब आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा ऐड स्लाइड, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये इमेज का ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। तो वो बता रहा है कि यहाँ से आप कौन कौन सी इमेज को लेना चाहते हैं। आप अपनी मर्जी की कोई सी भी इमेज ले लेते हैं, लेकिन मैं आपको एक टिप दे देता हूँ कि आपने अपने स्लाइडर के अंदर 4 3 या 4 पिक्चर को ऐड करना है। तो मैं ये ऐड कर देता हूँ, ये ऐड कर देता हूँ और ये वाली पिक्चर को, या फिर मैं ये 3 पिक्चर्स को ऐड कर देता हूँ और इस पिक्चर को, 4 पिक्चर को मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर से आपने सेलेक्ट कर देना है तो आपकी 4 पिक्चर क्या हो गई, ऐड हो गई, ठीक है। यहाँ से आपने क्या कर देना है, सेव। ये देखें, ये सक्सेस का ऑप्शन आ गया, ये आपका स्लाइडर क्रिएट हो गया, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ स्लाइडर क्या हुआ है, क्रिएट हुआ है, आपने इसको क्या करना है, ऐड करना है। कैसे ऐड करना है, तो ये देखें, यहाँ पर ये शॉर्ट कोड आ रहा है और ये PHP कोड है, हम इन दोनों कोड को यूज करेंगे। तो आपने इस स्लाइडर के कोड को यहाँ से कर लेना है कॉपी, ठीक हो गया। कॉपी करने के बाद आप चले जाएंगे अपने पेजेस पे, यहाँ पर आपके सामने पेजेस आ गया। तो आप अपने स्लाइडर को किस पेज के ऊपर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, ज़्यादातर स्लाइडर आपने देखा होगा कि आपके होम पेज के ऊपर ही आता है, तो हम अपने होम पेज के ऊपर ही लगाते हैं, आप किसी भी पेज पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने होम पेज को एडिट किया, एडिट करने के बाद ये हमारा होम पेज के ऊपर मैंने कुछ लिखा हुआ, तो मैं क्या करता हूँ, अपने स्लाइडर को इस जगह पर क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर दबाता हूँ इंटर, ऊपर इस जगह पर अपने कोड को क्या कर देता हूँ, पेस्ट। पेस्ट करने के बाद जैसे ही मैं इसको अपडेट करूंगा तो हमारा स्लाइडर क्रिएट हो जाएगा। हम यहां पर जाके अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, जैसे विजिट साइट करते हैं, ठीक है। ये देखें, ये स्लाइडर, अब ये देखें स्लाइडर कैसे लगा है, अपनी मर्जी से ही वो एडजस्ट हो गया। अब हमने इसको, इसकी सेटिंग करनी है कि इसको हमने अपनी मर्जी के मुताबिक किस किस जगह पर एडजस्ट करना है। तो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ही इसमें ये है। यहाँ पर चले जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद आप चले जाएंगे अपनी डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड पे जाने के बाद आप स्मार्ट स्लाइडर में चले जाएंगे, उसके डैशबोर्ड में चले जाएंगे, गो टू डैशबोर्ड में चले जाएंगे। तो आपका ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, आप इसको करेंगे एडिट। एडिट करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आके आपने कुछ भी नहीं करना, अपने साइज़ के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ये आपके सामने फुल विड्थ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आपने इसको कर देना है बॉक्स्ड, ठीक है। इसको क्या करेंगे, बॉक्स। तो ये क्या होगा, ये आपका एडजस्ट हो जाएगा। जैसे मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ सेव, इसको यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर इसको हम करते हैं रिफ्रेश। अब ये देखें, ये यहाँ पर एडजस्ट तो हो गया है, लेकिन हमने इसको अपनी मर्जी से एडजस्ट करना है कि हमारा यहाँ पर स्लाइडर क्या आए, पूरी स्क्रीन के ऊपर आए। स्लाइडर कहाँ पर आए, पूरी स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ हेडर के बिल्कुल साथ आए, जैसे आपने बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स में देखा है। तो हमने उस तरह एडजस्ट करना है तो हम उसको एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद आप अपनी मर्जी के कंट्रोल लगा सकते हैं, जैसे ये वाला कंट्रोल आप लगा सकते हैं, ठीक है। अपने स्टाइल्स को, कोई भी डिफरेंट स्टाइल्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एनिमेशन लगा सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल में जाके आप यहाँ पर जाके स्टाइल में जाके कोई भी स्टाइल को लगा सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर इसको कैंसिल करते हैं। हम अपने बुलेट्स को आप क्रिएट कर सकते हैं, कैसे बुलेट्स के, यहाँ पर ये देखना, आपने ये देखा होगा ना, यहाँ पर इस तरह के डॉट्स होते हैं, तो आप इस तरह के डॉट्स लगा सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ अप्लाई, तो ये आपके डॉट्स अप्लाई हो जाएंगे, ठीक हो गया। और एनिमेशन कोई भी लगा सकते हैं, तो इसमें जो जो फैसिलिटीज़ होंगी वो आप लगा सकते हैं। ये GoPro यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, GoPro, जब इसके ऊपर जाएंगे तो आपको पैसों के स्लाइडर मिलेंगे, आप उसके पास, उसमें ऑप्शन ज़्यादा होंगे, इसमें आपके पास ऑप्शन क्या होंगे, लिमिटेड। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको सेव। सेव करने के बाद यहाँ पर जाएंगे, इसको रिफ़्रेश करेंगे, तो ये देखें ये चीज़ आ गई है, ठीक है, ये चीज़ आ गई है। और ये देखें, ये 4 आपके सामने बुलेट्स आ गई हैं। इसको हम जब क्लिक करते हैं तो ये आपका इमेज आगे चली जाती है। अब हमने इसको
खुद से ऐसे क्रिएट करना है कि ये पिक्चर खुद ही स्लाइड हो। यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर जाने के बाद हम जाते हैं कंट्रोल में। कंट्रोल में यहाँ पर आपको कहीं पर मिलेगा ऑटो प्ले, यहाँ पर ये देखिए ऑटो प्ले का बटन मिल गया। ऑटो प्ले को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद इसको आपने कर देना है सेव। वेबसाइट को जाके जब आप रिफ़्रेश करेंगे तो आपकी जो स्लाइडर होगा वो ऑटो प्ले पे लग जाएगा। जैसे अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी इमेज खुद ब खुद स्लाइड करेगी विद इन अ सेकेंड या टू सेकेंड। ये देखिए ये स्लाइड कर गई है ना, तो इस तरह ये आपकी पिक्चर स्लाइड हो जाएगी। ये तो लगा दिया हमने अपने किसी भी होम पेज के अंदर, लेकिन हमने अपना स्लाइडर को होम पेज के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्टली एडजस्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे आप। आने के बाद आप अपीयरेंस में आ जाएंगे। अपीयरेंस में आने के बाद आप आ जाएंगे स्मार्ट स्लाइडर पे। यहाँ पर आप चले जाएंगे गो टू डैशबोर्ड के अंदर। ठीक है, हमारा ये प्रोजेक्ट था, इसको हमने क्या कर दिया एडिट। एडिट करने के बाद आपने जनरल में चले जाना है। कहाँ पर जाना है, जनरल में। यहाँ पर अब हमने किस कोड को कॉपी करना है, पीएचपी कोड को। पीएचपी कोड को आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपने चला जाना है अपीयरेंस में। अपीयरेंस में जाने के बाद आपने चला जाना है थीम फाइल एडिटर में। जब आप थीम फाइल एडिटर में चले जाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ होगा थीम हेडर, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये आपके सामने कोडिंग खुल के आ जाएगी। आपने कोडिंग क्रिएट नहीं करनी, मैंने आपको जस्ट ये बता रहा हूँ कि आपने कोडिंग को वो वाली कॉपी किया, यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके सामने खुद ब खुद स्लाइडर एडजस्ट हो जाएगा। आपने कोडिंग सीखनी नहीं है, ना मैंने आपको कोडिंग सिखानी है। आपने सिर्फ और सिर्फ किस में काम करना है, हमने ड्रैग एंड ड्रॉप पे या कोई भी चीज़ को ऐड करके अपनी पूरी वेबसाइट को क्रिएट करना है। तो आपने लगा देना इस जगह पे, लास्ट पे जाके कंट्रोल वी कर देना है। आपका वो जो कोड था वो यहाँ पर क्या हो गया, पेस्ट हो गया। आपने अपडेट फाइल करनी है तो वो आपका स्लाइडर यहाँ पर ऐड हो गया। तो वो हमने अपनी वेबसाइट में जाना है, वेबसाइट में जाके इसको करना है रिफ्रेश। तो ये देखें, ये आपकी पूरे पेज के ऊपर स्लाइडर लग गया है। ठीक है, लेकिन ये देखें यहाँ पर ये आपको जगह नज़र आ रही है खाली, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी। ठीक हो गया, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। तो हमने इसको कैसे एडजस्ट करना है, हम यहाँ पर चले जाएंगे, जो हमने यहाँ पर कोड कॉपी किया था। ठीक है, हमने दोबारा से उसी कोड को उठा लेना है। उठाने के बाद आपने ऊपर पेस्ट कर देना है, तो किसी पर नीचे ही एडजस्ट हो जाएगा, किसी पर ऊपर एडजस्ट हो जाएगा। तो ये क्या प्रॉब्लम होती है, किसी की थीम का डिज़ाइन चेंज होता है, किसी की थीम का डिज़ाइन डिफरेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर जाके आपने अपडेट फाइल को ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने वो जो स्लाइडर था वो एडजस्ट हो जाएगा। जिसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए अब बिल्कुल फिट हो गया स्लाइडर। यहाँ पर आपके पास स्लाइडर बिल्कुल फिट हो गया, लेकिन इसके अंदर एक या दो प्रॉब्लम्स आ गई हैं। कैसे, जब आप अकेडमीज़ के ऊपर क्लिक करते हैं, एडमिशन के ऊपर क्लिक करते हैं, कैंपस के ऊपर क्लिक करते हैं, तो देखें तमाम पेजेस के ऊपर स्लाइडर लग चुका है, लेकिन हमें कहाँ पर चाहिए, सिर्फ और सिर्फ होम पेज के ऊपर। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा कोड लिखना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पर ये आपने पीएचपी का कोड यहाँ पर पेस्ट किया है, यहाँ पर आपने इंटर दबाना है। इंटर दबाने के बाद आपने लिखना है इफ़। ठीक है, आपने स्मॉल लेटर में लिखना है इफ़। उसके बाद आपने लिख देना है इज़ अंडरस्कोर, यहाँ पर लिख देना है फ्रंट अंडरस्कोर पेज, और आपने ये ब्रैकेट दे देनी है, और आगे जाके आपने स्मॉल ब्रैकेट देनी है, और स्मॉल ब्रैकेट को क्लोज करके आपने स्मॉल ब्रैकेट को कहाँ पर रखना है, इस जगह पर स्मॉल ब्रैकेट दे देनी है। तो जैसे ही आप ये लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपडेट फाइल। अपडेट फाइल के ऊपर आपने जैसे ही दिया ये कोड, अगर आपको ना भी समझ आए तो आपने यहाँ से देख देख के बिल्कुल सेम एज इट इज़ आपने कॉपी कर लेना है। ठीक है, जैसे ही ये कॉपी कर लेंगे आप अपनी वेबसाइट में लगाएंगे तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये कोड लिखने के बाद, अपडेट फाइल करने के बाद हम चले जाएंगे अपनी वेबसाइट पे। वेबसाइट पे जाने के बाद जब हम अपनी वेबसाइट को करेंगे रिफ्रेश, रिफ्रेश होने के बाद ये देखें यहाँ पर आपके सामने स्लाइडर तो लगा हुआ है, लेकिन जो हमारी प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम क्या हो गई है, एग्जैक्ट सेट हो गई है। जैसे ये देखें ये स्लाइड तो कर रहा है। अब हम जाते हैं अपनी अकेडमीज़ में। अकेडमीज़ में देखें जो हमने पोस्ट की हुई वही पोस्ट हमारे पास शो हो रही है। कैंपस पर जाते हैं तो हमारे पास जो आर्टिकल लिखे हुए हैं वही शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ें शो हो रही हैं, लेकिन हमारे पास जो स्लाइडर है वो सिर्फ और सिर्फ होम पेज पर शो हो रहा है। ठीक हो गया, तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।